गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं व्याकरण व्याख्या, क्लास फिफ्थ, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है और व्याकरण क्या है, इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। जैसे भाषा, लैंग्वेज, प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में उठने वाले विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। वह अपने वातावरण में होने वाली क्रियाओं, बातों और व्यवहारों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रकार विचारों को व्यक्त करने के लिए मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियाँ ही भाषा है। बच्चों, क्या है जो हम मुँह से ध्वनियाँ निकालते हैं लेकिन उसका एक अर्थ निकले, वो क्या हो गया, भाषा हो गया। जैसे व्यक्ति अपने विचारों और भावों को लिखकर या बोलकर ध्वनि संकेत द्वारा प्रकट करता है, अर्थात भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा कहलाती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सभी भाषाएं अपने देश में भी बोली जाती हैं। चीनी, रूसी, जर्मनी, जापानी, पुर्तगाली, तुर्की आदि अनेक भाषाएं विभिन्न देशों में बोली जाती हैं। हमारे भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चों, हमारे भारत देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, पहाड़ी आदि। अपने अपने राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है बच्चों। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। आप बताएंगे भाषा कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः भाषा 3 प्रकार की होती है बच्चों। जैसे मौखिक भाषा, नंबर 1 मौखिक भाषा, जिस भाषा को मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, अर्थात जिसे हम सुनकर समझते हैं वे मौखिक भाषा है। जैसे टीवी में न्यूज एंकर न्यूज बोलती हैं और हम सुनकर उसको समझते हैं, वो मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा का प्रयोग सभी व्यक्ति कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग बोलकर ही अपनी बात को कहते हैं। बातचीत, वाद विवाद, कोई घटना या कहानियों को सुनाने में भी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, दूसरा है लिखित भाषा। क्या है, लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, जिस भाषा से हम लिखकर अथवा पढ़कर अपने मन के भाव को समझते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग पत्र लिखने, पुस्तक, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में होता है। बच्चों, जिसे हम पढ़कर समझते हैं वो लिखित भाषा होता है। अब है थर्ड, सांकेतिक भाषा। संकेत, या तो हम बोलकर कोई बात अपनी बताते हैं, सुनकर कोई बात समझते हैं, या संकेत के माध्यम से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। कोड लैंग्वेज, जब हम अपने विचारों तथा भावों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है, वो संकेत भाषा का प्रयोग करती है। मौखिक भाषा में ध्वनियाँ, साउंड्स का प्रयोग होता है। लिखित भाषा में वर्णों, लेटर, अक्षरों का प्रयोग होता है, तथा सांकेतिक भाषा में संकेतों अर्थात इशारों का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों बताएंगे, अब आपके समझ में आया भाषा किसे कहते हैं। अभी तक मैं आपको बता रही थी कि भाषा किसे कहते हैं, अब मैं बताऊँगी बोली। प्रायः लोग समझते हैं भाषा और बोली एक ही है, लेकिन बच्चों दोनों में बहुत अंतर होता है। भाषा का प्रयोग लिखकर और बोलकर करते हैं, किंतु भाषा के रूप में पहले जब वह केवल बोली जाती है, उसका लिखित रूप नहीं होता है, तो उसे बोली कहते हैं। बच्चों, बोली एक सीमित दायरा में बोली जाने वाली भाषा है। जैसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाला भाषा उस क्षेत्र की बोली कहलाती है। भारत में हिंदी भाषा की अनेक बोलियां प्रचलित हैं, जैसे ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, मैथिली आदि। जैसे बच्चों, अवधी, अवध प्रांत में अवधी बोली जाती है। क्या है,
इसका दायरा सीमित है, ये सिर्फ अवध प्रांत में बोली जाती है। अब बच्चों हम बताएंगे आपको लिपि कैसे किसे कहते हैं। अभी तक मैंने बताया आपको भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, फिर बोली क्या होती है, अब लिपि स्क्रिप्ट किसे कहते हैं। बच्चों प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को लिपि बोलते हैं बच्चों। जैसे संस्कृत की लिपि देवनागरी है। भिन्न भिन्न भाषाओं को में भिन्न भिन्न संकेतों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सभी भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऐसे बच्चों अपनी अपनी भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, अपनी अपनी पहचान होती है, जिस चिन्हों के माध्यम से हम भाषा को लिखते हैं उस चिन्ह को हम लिपि बोलते हैं। अब हम आपको बताएंगे व्याकरण किसे कहते हैं, ग्रामर क्या होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। बच्चों या तो हम पढ़ते समय या लिखते समय बहुत सी अशुद्धियां करते हैं, उस अशुद्धि को हम ये कैसे जाने कि ये अशुद्ध है, तो हम व्याकरण के माध्यम से ये जान पाते हैं कि ये अशुद्ध है या शुद्ध है। हम जो बोलते हैं सोचते हैं लिखते हैं सभी को उचित क्रम में लिखना या व्यवस्थित क्रम में लिखना और पढ़ना व्याकरण के माध्यम से ही सीखा जाता है, यही भाषा का शुद्ध रूप होता है। व्याकरण वह शास्त्र है बच्चों जो हमें भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। कुछ अव्यवस्थित क्रम में लिखे वाक्य नीचे दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए। जैसे बच्चों आम ने खाया आम, आम ने खाया राम, ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या है, राम ने आम खाया, आम ने खाया राम नहीं। देखिए सारे वर्ड्स तो हैं, सारे हैं शब्द, लेकिन अव्यवस्थित है। जो व्यवस्थित रूप का ज्ञान कराए वो क्या है, व्याकरण है। अव्यवस्थित जो है वो अशुद्धिकरण है। अब व्याकरण के भी विभाग होते हैं बच्चों। जिस तरह भाषा के प्रकार होते हैं व्याकरण के भी प्रकार होते हैं। जैसे वर्ण, भाषा क्या, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। फिर शब्द, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं बच्चों, वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। तो शब्द विचार, फिर शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इसी तरह अगर हम भूल जाएं बच्चों कि व्याकरण के कितने विभाग होते हैं, तो सबसे पहले आता है वर्ण जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, फिर वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, तो दूसरा क्या हो गया, शब्द विचार, फिर शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं जिसे हम वाक्य विचार बोलते हैं, वर्ण विचार। व्याकरण का वह भाग जिसमें वर्णों का भेद रचना आदि पर विचार किया जाता है वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार में वर्णों को पढ़ने लिखने व बोलने का ढंग बताया जाता है। शब्द विचार, शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति, उनके भेद तथा उनकी रचना के बारे में बताया जाता है बच्चों। इसके बाद आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या होता है, वाक्य विचार वाक्यों के भेद, मतलब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अंतर क्या है, तथा रचना के विषय में बताता है, ये कैसे रचित होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में वाक्य विचार बताता है बच्चों। अब आप इस पूरे चैप्टर को रीड करेंगे और जो भी प्रॉब्लम हो उसको पेंसिल से अंडरलाइन बुक में करेंगे और ऑफिस से मेरा नंबर लेकर आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगले क्लास में मैं क्वेश्चन आंसर और ये सारी एक्सरसाइज बताऊंगी। थैंक यू बच्चों। से हम लिखकर अथवा पढ़कर अपने मन के भाव को समझते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग पत्र लिखने, पुस्तक, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं आदि में होता है।
बच्चों जिसे हम पढ़कर समझते हैं वो लिखित भाषा होता है। अब है थर्ड सांकेतिक भाषा। संकेत या तो हम बोलकर कोई बात अपनी बताते हैं, सुनकर कोई बात सुन समझते हैं, या संकेत के माध्यम से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। कोड लैंग्वेज, जब हम अपने विचारों तथा भावों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है वो संकेत भाषा का प्रयोग करती है। मौखिक भाषा में ध्वनियाँ साउंड्स का प्रयोग होता है, लिखित भाषा में वर्णों लेटर अक्षरों का प्रयोग होता है, तथा सांकेतिक भाषा में संकेतों अर्थात इशारों का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों बताएंगे, अब आपके समझ में आए भाषा किसे कहते हैं। अभी तक मैं आपको बता रही थी कि भाषा किसे कहते हैं, अब मैं बताऊंगी बोली। प्रायः लोग समझते हैं भाषा और बोली एक ही है, लेकिन बच्चों दोनों में बहुत अंतर होता है। भाषा का प्रयोग लिखकर और बोलकर करते हैं, किंतु भाषा के रूप में पहले जब वह केवल बोली जाती है, उसका लिखित रूप नहीं होता है, तो उसे बोली कहते हैं। बच्चों बोली एक सीमित दायरा में बोली जाने वाली भाषा है। जैसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाला भाषा उस क्षेत्र की बोली कहलाती है। भारत में हिंदी भाषा की अनेक बोलियां प्रचलित हैं, जैसे ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, मैथिली आदि। जैसे बच्चों अवधी, अवध प्रांत में अवधी बोली जाती है। क्या है इसका दायरा सीमित है, ये सिर्फ अवध प्रांत में बोली जाती है। अब बच्चों हम बताएंगे आपको लिपि किसे कहते हैं। अभी तक मैंने बताया आपको भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, फिर बोली क्या होती है, अब लिपि स्क्रिप्ट किसे कहते हैं। बच्चों प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को लिपि बोलते हैं बच्चों। जैसे संस्कृत की लिपि देवनागरी है। भिन्न भिन्न भाषाओं को में भिन्न भिन्न संकेतों भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऐसे बच्चों अपनी अपनी भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, अपनी अपनी पहचान होती है, जिस चिन्हों के माध्यम से हम भाषा को लिखते हैं उस चिन्ह को हम लिपि बोलते हैं। अब हम आपको बताएंगे व्याकरण किसे कहते हैं, ग्रामर क्या होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। बच्चों या तो हम पढ़ते समय या लिखते समय बहुत सी अशुद्धियां करते हैं, उस अशुद्धि को हम ये कैसे जाने कि ये अशुद्ध है, तो हम व्याकरण के माध्यम से ये जान पाते हैं कि ये अशुद्ध है या शुद्ध है। हम जो बोलते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, सभी को उचित क्रम में लिखना या व्यवस्थित क्रम में लिखना और पढ़ना व्याकरण के माध्यम से ही सीखा जाता है, यही भाषा का शुद्ध रूप होता है। व्याकरण वह शास्त्र है बच्चों जो हमें भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। कुछ अव्यवस्थित क्रम में लिखे वाक्य नीचे दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए। जैसे बच्चों आम ने खाया आम, आम ने खाया राम, ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या है, राम ने आम खाया, आम ने खाया राम नहीं। देखिए सारे वर्ड्स तो हैं, सारे हैं शब्द, लेकिन अव्यवस्थित है। जो व्यवस्थित रूप का ज्ञान कराए वो क्या है, व्याकरण है। अव्यवस्थित जो है वो अशुद्धिकरण है। अब व्याकरण के भी विभाग होते हैं बच्चों। जिस तरह भाषा के प्रकार होते हैं, व्याकरण के भी प्रकार होते हैं। जैसे वर्ण, भाषा क्या, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। फिर शब्द, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं बच्चों, वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। तो शब्द विचार, फिर
शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इसी तरह अगर हम भूल जाएं बच्चों कि व्याकरण के कितने विभाग होते हैं, तो सबसे पहले आता है वर्ण, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फिर वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, तो दूसरा क्या हो गया, शब्द विचार। फिर शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, जिसे वाक्य विचार बोलते हैं। वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग जिसमें वर्णों का भेद, रचना आदि पर विचार किया जाता है, वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार में वर्णों को पढ़ने, लिखने व बोलने का ढंग बताया जाता है। शब्द विचार, शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति, उनके भेद तथा उनकी रचना के बारे में बताया जाता है। बच्चों इसके बाद आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या होता है? वाक्य विचार वाक्यों के भेद, मतलब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अंतर क्या है, तथा रचना के विषय में बताता है। ये कैसे रचित होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में वाक्य विचार बताता है। बच्चों अब आप इस पूरे चैप्टर को रीड करेंगे और जो भी प्रॉब्लम हो उसको पेंसिल से अंडरलाइन बुक में करेंगे, और ऑफिस से मेरा नंबर लेकर आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगले क्लास में मैं क्वेश्चन आंसर और ये सारी एक्सरसाइज बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।